रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। मैं अजय दीप वाधवा। क्या आप और हम मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं? क्या मोबाइल ने हमारे जीवन पर पूरा ही कब्जा कर लिया और हम उसके बिना रह नहीं सकते, एक क्षण नहीं रह सकते, एक मिनट नहीं रह सकते? मुझे तो लगता है, मुझे दुख है, पर यह लगता है कि ये बात सही है। धीरे धीरे हम मोबाइल फोन के गुलाम होते जा रहे हैं। आज हम इसी बात पर कुछ विचार करेंगे। मैं जब मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, जैसे आज ही सुबह मैं गया था, मैं करीब सुबह 5 बजे घर से निकला। सड़क पर या जहाँ मैं ग्राउंड में गया था, वहाँ कुछ युवा वर्ग के लोग, लड़के लड़कियाँ मेरे सामने टहलते रहते हैं, जॉगिंग करते रहते हैं। आज ही मैंने नोट किया कि मेरे सामने जो लड़का चल रहा था, वॉक कर रहा था, एक मिनट चलता था, फिर अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता था और उसको वो देखता था। देख के पता नहीं क्या देखता था, मैसेज देखता होगा, व्हाट्सअप देखता होगा, उसके बाद उसको पॉकेट में रखता था वो, फिर वो 1-2 मिनट वॉक करता था और फिर निकालता था। यानी मैदान का एक चक्कर लगाने में हमें 6-7 मिनट लगते हैं, उसे वो 5 बार मोबाइल को देखता था। यानी अगर उसने 10 चक्कर ग्राउंड के लगाए होंगे आज मेरे साथ, तो 50 बार उसने मोबाइल को देखा होगा। इस कारण अब आप सोच सकते हैं कि उसने जो कहते हैं ना कि जब वॉक करिए तो ब्रिस्क वॉकिंग करिए, तेजी से चलिए, वो तेजी से क्या चल रहा था? वो बिल्कुल उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था, वो रुक रुक के मोबाइल चेक करता था। यानी वॉक करने के लिए सुबह 5 बजे उठकर आया, पर जो वॉक करने का उसका बेनिफिट होना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा था। दूसरा क्या है कि जब वो वॉक कर रहा था और बार बार वो मोबाइल निकाल कर देख रहा था, तो मैंने देखा उसको कई दो कीचड़ में घुस गया, क्योंकि रात को जोरदार बरसात हुई तो ग्राउंड के कोने में हल्का सा कीचड़ हो गया था। यानी वो कीचड़ में घुस गया, उसके जूते भी गंदे हो गए। मैंने और भी कुछ बच्चों को देखा है कि वो सुबह वॉक करने या जॉगिंग करने आते हैं, एक चक्कर मुश्किल से ग्राउंड का लगाते हैं, फिर वो बगल में बैठी बड़ी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और मोबाइल चेक करते रहते हैं। और आप यकीन माने या ना माने, 15-20 मिनट आधा घंटा मोबाइल ही चेक करते रहते हैं और कई बार उसका उठ के घर चले जाते हैं। यानी सुबह वो उठते हैं, अलार्म लगाते हैं, सुबह नींद अपनी खराब करते हैं मॉर्निंग वॉक जॉगिंग के लिए। घर में मम्मी पापा सोचते हैं बच्चे जॉगिंग करने गए हैं, पर वो मोबाइल में इतने फंस गए हैं कि वो आते हैं ग्राउंड में और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, वो क्रिकेट फुटबॉल छोड़कर ग्राउंड में बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि मोबाइल ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले इस पर बहुत अच्छे नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी कि हम सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। मान लिया व्हाट्सएप को देखिए, व्हाट्सएप एक नॉलेज को इधर से उधर आदान प्रदान करने का एक अच्छा सोर्स है। हम इससे अपनी फोटो, अच्छी नॉलेज, अच्छी इन्फॉर्मेशन दोस्तों को, साथियों को भेज सकते हैं या उनसे प्राप्त कर सकते हैं। पर उसको देखने की इतने हमें तीव्र भूख हो जाती है कि हम हर 2 मिनट के बाद मोबाइल पॉकेट से निकालते हैं, चेक करते हैं कोई नया मैसेज तो नहीं आया है। अगर बच्चे मॉर्निंग वॉक के समय, मैंने देखा कि अगर इतना ज्यादा मोबाइल में उलझे हुए हैं, तो मैं सोचता हूँ पढ़ते समय क्या करते होंगे, उनमें कंसंट्रेशन तो बिल्कुल होगी ही नहीं। जब वो पढ़ाई करेंगे तो बार बार मोबाइल निकाल कर चेक कर रहे होंगे क्या मैसेज आया, किसने ट्वीट किया, किसने मुझे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज भेजा, फेसबुक में किसने क्या अपना कुछ नया डाला, या कुछ अपना डाला है तो उसको कितने लोगों ने लाइक किया। यानी पढ़ाई में उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती होगी। तो जो बच्चे या जो युवा वर्ग मोबाइल में इतना उलझ गया, जिसको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, अपने शारीरिक में व्यायाम करने में कंसंट्रेशन नहीं है, वो फिर सफलता कैसे प्राप्त करे? हम युवा वर्ग की क्या, हम सबकी बात करें, घर में शिकायतें आती हैं कि महिलाएं अपना घर का काम काज छोड़कर मोबाइल में उलझी रहती हैं। खाना देरी से बन रहा है, बच्चों को, घर वालों को टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है, कपड़े से समय पर नहीं धुल रहे हैं। हम मोबाइल के गुलाम होते जा रहे हैं और ये गलत है। ये हमारे दिमाग पे कब्जा करते जा रहा है और धीरे धीरे हमारा दिमाग भी उसी गलत सूचनाओं को और गलत इन्फॉर्मेशन को हम इतनी बार देखते और पढ़ते हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि धीरे धीरे हमारे दिमाग में वो गलत बातें बैठती जाती हैं। तो आइए अपने आप को इस मोबाइल के बीमारी से हम बचाएं। मोबाइल जरूरी है जीवन में, पर उसका एक समय है। व्हाट्सएप देखना है, 1-2 घंटे बाद अपना खोलिए, 5 मिनट व्हाट्सएप देख लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी है उसका आदान प्रदान करिए, फिर बंद कर दीजिए। आपके जीवन में आपका जीवन महत्वपूर्ण है, परिवार महत्वपूर्ण है, जो काम हम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, खुशी महत्वपूर्ण है। मोबाइल एक टूल है, उसको टूल के जैसा रहना चाहिए, रहने दीजिए। जीवन का ऐसा अंग मत बनाइए जिसके बगैर हमारा काम ना चल सके। तो आइए मोबाइल की गुलामी से बाहर निकले। धन्यवाद।